मूवमेंट को या बहुजन समाज को जान देने का काम करा माननीय श्री काशीराम साहब ने, और उसी मिशन को आगे लेके गए बाम सेफ के और कैडराइज लोग। आज हमारे साथ एक पद्मश्री जी हैं जो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और बहुजन समाज की बात को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर बोलते। पद्म जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद जी, नमो बुद्धाय, जय भीम जी। पद्म सिंह जी, एक बात बताइए, बहुजन समाज से कैडर को ख़त्म कर दिया गया है, तो कैडर ख़त्म करने से क्या बहुजन समाज मजबूत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कैडर ख़त्म करना सही था या कैडर दोबारा से होना चाहिए, और क्या होता है इस कैडर के अंदर, वो भी हमें बताएं। किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए उसके लिए कैडराइज लोगों की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मानवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज के लिए विचारधारा का एक कैडर तैयार किया, और वो एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़मीन के अंदर रहकर काम करता है, और वो कम दिखाई देता है। जब दिखाई देता है तो लोग सोचते हैं कि वो कैडर हमारा काम कर रहा है, जब दिखाई नहीं देता है तो समझते हैं कि वो ख़त्म कर दिया है। वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये मूवमेंट है, ये इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी मीडिया में हाईलाइट हो जाता है कैडर, कभी नहीं हो पाता है। मानव साहब काशीराम कहा करते थे कि हमारा कैडर, बहुजन मूवमेंट का जो कैडर है, वो एक पेड़ की जड़ों की तरह है जो ज़मीन के अंदर रहकर सारा काम करेगा और पेड़ को मजबूती प्रदान करेगा। तो ठीक इसी प्रकार कैडर कभी कमज़ोर नहीं हुआ, ना कैडर कभी बंद हुआ है, वो अपना काम करता रहता है। उसी का नतीजा था कि जब जब मूवमेंट को धक्का लगा तो कैडराइज लोगों ने अपने गति को बढ़ाते हुए उस मूवमेंट को दोबारा खड़ा किया। तो कैडर के माध्यम से हम लोग कैडर को तैयार करते रहते हैं, ये दिखाने वाली बात नहीं है। लोगों को घर घर जाकर उनको तैयार करना, विचारधारा के में बताना, ये कैडर का काम है। लोग जब ज़्यादा हो जाते हैं तो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसके माध्यम से फिर मीडिया में पता चलता है कि कैडर चल रहा है। अदरवाइज़ ये सतत प्रक्रिया है जो बहुजन मूवमेंट के लिए मानवर काशीराम साहब ने शुरू की थी। वो कभी कभी एक दिवसीय कैडर लिया करते थे, कभी साप्ताहिक कैडर लिया करते थे, और जब बहुत सारे कैडराइज लोग हो जाते तो 40-40 दिन का कैडर वो जंगलों में जाकर लेते थे, जिसमें पूरी बहुजन विचारधारा से उनको अवगत कराया जाता था। उसी का परिणाम है कि बहुजन मूवमेंट यहाँ तक पहुँचा है। हालांकि वर्तमान समय में कुछ लोग दिग्भ्रमित हुए हैं, उनको लालच के बस तोड़ा गया है और मूवमेंट को गलत दिशा में मोड़ा गया है, लेकिन मानवर साहब काशीराम का जो कैडर पहले था वो आज भी है और वो चलता रहेगा। मैं बामसे के बारे में इतना ही कह जाऊँगा कि अभी तक हम अपने जो सरकारी इतिहास में पढ़ते हैं कि हमारी संस्कृति जो है वैदिक संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी, उसके बाद वर्तमान जो परिस्थिति है उसके बारे में बताया जाता है, कहीं हमें ये देखने को नहीं मिलता कि इस देश में बौद्ध संस्कृति भी हुआ करती थी जी। जब अंग्रेज यहाँ इस देश में आए, उन्होंने जब विकास कार्य शुरू किए तो रेल लाइन बिछाने का जब उन्होंने काम किया, तो 1853 में लरकाना ज़िले में जब रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ तो वहाँ एक टीला मिला, और उस टीले की जब समतल करने के लिए कार्य हुआ तो वो जगह सारी की सारी नीचे धस गई, और उस पर जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसकी खोज की तो उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बहुत विकसित शहर मिले, और बाद में पता चला कि बहुत सारे शहर इस सिंधु घाटी के किनारे हैं जो प्योर अनार्य सभ्यता थी। उस अनार्य सभ्यता में आर्यों का कोई आगमन नहीं था और वो 5000 साल पहले समाप्त हो गई थी, और उसके बाद वो सबसे विकसित सभ्यता के रूप में जानी जाती है। लेकिन यहाँ आर्यों ने आक्रमण किया, आक्रमण के बाद यहाँ के जो राजा थे उन राजाओं को छल कपट से जो है परास्त किया, और ये यहाँ के मूल निवासी कभी इकट्ठे ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने 6743 जातियों में इनको बांटने का काम किया, जो सदियों तक भाई भाई से दूर रहकर आपस में बैर के द्वारा रहते रहे। लेकिन मानवर साहब काशीराम ने, जो बाबा साहब ने SC और ST के रूप में संविधान में उनको चिन्हित किया था, जिनके बीच में कोई भाईचारा नहीं था, तो मानवर साहब काशीराम ने कैडर के माध्यम से उन SC ST और OBC के लोगों को माइनॉरिटी के साथ जोड़कर एक बहुजन समाज की परिकल्पना पर काम किया, और उनको ये बताने का काम किया कि आप जो वर्तमान में जीवन जी रहे हो, आपकी ये स्थिति नहीं है, आप इस देश के कभी राजा हुआ करते थे, आप यहाँ के मालिक थे, लेकिन कुछ विदेशी लोगों ने आपको यहाँ पर आकर परास्त करके छल कपट से आपको दयनीय हालत में भेज दिया है। आप अपना इतिहास पढ़िए, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़िए, आप वहाँ के राजा थे, चाहे वो पाल वंश हो, चाहे प्रतिहार वंश हो, चाहे चोल वंश हो, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे कुषाण हो, सम्राट हर्षवर्धन हो, ये आपके पूर्वज रहे हैं, आपको अपनी विरासत को अपने
पहचानना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे कि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से शक्ति बनती है और शक्ति से व्यक्ति शासक बनता है। तो हमें अपने इतिहास की जानकारी रखनी चाहिए और कैडर के माध्यम से इस इतिहास को जानने का काम किया जाता है। जो सत्यशोधक समाज बनाकर महात्मा ज्योतिबा फुले ने काम किया, उसके बाद छत्रपति साहू महाराज ने अपने कोल्हापुर राज्य में इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया और 1922 की सतारा की 1 लाख से ज़्यादा भीड़ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उन्होंने ये आशा व्यतीत की कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन अछूतों को अपना बाकी हब दिलाकर संवैधानिक अधिकार दिलाएंगे और मानव साहब काशीराम के माध्यम से उस SC ST समाज को शासक बनाने के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया। इसी के साथ जय भीम नमो। कहते हैं बहुजन समाज की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो है कैडर, और बहुजन समाज के लोगों को उन कैडरों में जाके अपने इतिहास को जानने का काम करना चाहिए। पदम जी, आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतना समय दिया। आगे फिर हम मिलेंगे। जय भीम नमो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।